नमस्कार साथियों साथियों, स्टडी पॉइंट टुडे के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो वीडियो है, राजस्थान से बाहर जो अभ्यर्थी बीएसटीसी बीएड या अन्य कोई डिप्लोमा करते हैं, उनका यह डिप्लोमा मान्य है या नहीं है, उसके बारे में आपको प्रूफ समेत यहाँ पर लेकर आया हूँ। आज डेट 24 दिसंबर 2023 है, और दोस्तों कल आपका 23 दिसंबर थी, और अजमेर में साइंस की जो काउंसलिंग चल रही थी सेकंड ग्रेड साइंस के लिए, जो टीचर लगे हैं उनकी पदस्थापन के जो आदेश चल रहे थे उनसे संबंधित वीडियो है, और सामने आपको दिख रहा होगा कि बाहरी डिग्री के कारण 8 को नहीं मिला पदस्थापन। अब नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? जाँच के बाद मिलेगी पोस्टिंग, दूसरा पॉइंट ये है, और जांच के बाद मिलेगी पोस्टिंग। जांच के बाद 189 वरिष्ठ अध्यापकों पद स्थापन जो आदेश है वो जारी हो गए। अब दोस्तों यहां पर बात ये आती है कि पद स्थापन आदेश क्यों नहीं मिला, उनका बहुत बड़े रीजन आप सबको पता है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, ज्यादातर स्टूडेंट का यहाँ राजस्थान में नंबर नहीं आता है, तो बाहर से डिग्रियां करके आ रहे हैं, वो बिल्कुल वैलिड है, बस आपकी कॉलेज एनसीटी अप्रूव्ड होनी चाहिए, यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, नियमों के अनुसार होना चाहिए, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इनका पद स्थापन आदेश रोका है, नहीं मिला, यानी कि जांच के बाद इनको पोस्टिंग मिलेगी, किनके बाद? 8 अभ्यर्थियों की अजमेर के अंदर उनकी जो पोस्टिंग रोक दी है, सब कुछ कंप्लीट है, पोस्टिंग इसलिए रोक दी कि उनकी जो डिग्री की जांच की जाएगी। अब डिग्री की जांच के लिए शिक्षा विभाग विशेष टीम गठित करेगी, और इन 8 बंधु ने जहां जहां से डिग्री की है वहां पर जाएंगे ये टीम जांच करके वास्तव में आएगी कि ये बंदा वहां था या नहीं था इस टाइम में, ठीक है, इसकी डिग्री वैलिड है नहीं है, वो सब बाद में जांच करने के बाद में जैसे 10-15 दिन में इनको पोस्टिंग ऑर्डर मिल जाएंगे। बस यही था दोस्तों इसमें कि थोड़ा सा 15-20 दिन इसमें लेट हो रहा है। लेट होने का कारण भी आप सबको पता है, क्योंकि बाहर से करके बहुत सारे स्टूडेंट आ रहे हैं, कहीं कोई फर्जी अभ्यर्थियों को अगर नियुक्ति दे दे तो शिक्षा विभाग आपको पता है कि लापरवाही नहीं करता इस मामले में, तो इस वजह से आपकी डिग्री की जांच होगी ही होगी 100%। इसलिए सही जगह आप और सही कॉलेज में एडमिशन ले, ठीक है। बाकी आप सबको पता है कि बाहरी डिग्री तो होती है, जांच करते हैं, दस्तावेज पूरी तरह से जांच होती है, बाकायदा टीम गठित होती है, वहाँ पर जाती है कि भाई वहाँ मिलान करती है, रोल नंबर वगैरह सब कुछ सही है, क्या वो ईयर सही है, एनसीटी अप्रूव्ड कॉलेज है नहीं है, उस टाइम थी या नहीं थी, ये सब जाँच करने के बाद इनको 15-20 दिन में ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ये तो था दोस्तों आपके कि बाहरी डिग्री की वैलिडिट है या नहीं। और राजस्थान के जो बाहर से जो बीएसटीसी बीएड करते हैं, या फिर ज़्यादातर बीएसटीसी करके आते हैं, बीएड में लगभग यही नंबर आ जाता है उनका। तो दोस्तों बीएसटीसी अगर किसी को करना है तो हमसे संपर्क भी कर सकते हो आप, ठीक है, अबाउट में नंबर दे रखे हैं, नहीं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी पॉइंट टुडे, वहां पर मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो आपके वर्तमान में अभी जैसे कि दिसंबर चल रहा है तो हरियाणा के जो बीएसटीसी है या जेबीटी कहते हैं उसको, वहां पर अभी कोर्ट में पेंडिंग है मामला, 1 फरवरी को सुनवाई है। कोर्ट में पेंडिंग क्यों है आप सबको बताएं कि हरियाणा सरकार ने वहां पर बीएसटीसी बिल्कुल ही बंद कर दी, कहते कि वहाँ हरियाणा की जो गवर्नमेंट है उसने बीएसटीसी बंद कर दी है, और जो कॉलेज वाले हैं पूरे वो कोर्ट में गए हुए हैं कि हमारे अधिकारियों के साथ हन्नन हुआ है और हम बीएसटीसी करवाना चाहते हैं, तो उनका मामला चल रहा है। एमपी की डेट निकल गई, मार्च अप्रैल के बाद आएगी वापस, ठीक है, तो अभी तो कहीं भी एडमिशन एट प्रेजेंट में नहीं हो रही है, बाकी और अदर स्टेट से पता नहीं है, लेकिन अगर आपको नए सेशन में करनी है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9079803049 पर, 9079803049 इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ताकि आपको मतलब कोई भी डिग्री या फिर दोस्तों बीएसटीसी के फॉर्म कब चलेंगे उसके बारे में मैं यहां पर आपको सूचना दे दूंगा। बाकी यही थी इम्पोर्टेंट कि वैलिड डिग्री है लेकिन जांच तो होगी ही होगी किसी भी हालत में, ये था। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और दोस्तों ये जो वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें कि दिक्कत वाली कोई बात यहाँ पर है नहीं है, पदस्थापन आदेश बस रोका गया है कुछ दिनों के लिए, जांच तो होगी ही होगी, इसमें स्पष्ट दे रखा है कि आपके
और इसके अलावा शेष रहे अभ्यर्थियों की में से 8 अभ्यर्थियों की डिग्री अन्य राज्यों में होने के कारण उन्हें फिलहाल पदस्थापन आदेश नहीं दिया गया, उनकी डिग्री जांच होने के बाद पदस्थापन आदेश जारी हो सकेंगे। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर आपको टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है। 24 दिसंबर 2023 का पेपर न्यूज़पेपर पढ़ लें आप, वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट खबर। इसी तरह डेली आपको मॉर्निंग न्यूज़ में एजुकेशन न्यूज़ या फिर इस चैनल के माध्यम से जो एजुकेशन की जितनी भी खबरें आपको बताई जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।